ये वाइट पॉइंट हम लोगों ने आइस के लिए बीच में छोड़ा हुआ है, आपको भी बनाना है। चलिए अब हम कलर का स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी लाइक के अकॉर्डिंग कोई भी कलर कर सकते हैं। कलर एक ही डायरेक्शन में करिएगा। येलो कलर कंप्लीट हुआ है। इसमें ब्लैक एंड व्हाइट बनाएंगे। अब नेक्स्ट जो कलर यूज़ करेंगे वो ब्लू कलर है। ये लाइट ब्लू है, आप लोग डार्क ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं। ये कलर हमने इसकी स्ट्रिप्स में ले लिया हुआ है, जो जिगजैग लाइन है उसमें ये कलर हमने डाला हुआ है। ड्राइंग बनाने से पहले आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये हमने बॉर्डर बनाया हुआ है, ये आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से या स्केल से बना सकते हैं, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। ड्राइंग बनाने से पहले आपको, जैसे मैंने आपको क्लास में बताया हुआ था, आप अपनी डायरी को रख के भी बॉर्डर बना सकते हैं, जिससे कि हमारी पेंटिंग कंप्लीट नज़र आएगी। इसमें अब येलो कलर यूज़ कर लेते हैं, ब्लू के साथ येलो कलर अच्छा दिखेगा, क्योंकि ब्लू थोड़ा डार्क है और येलो कलर लाइट है, जिसके कारण कि दोनों कलर दिखेंगे। इसमें हम ये रेड कलर यूज़ कर लेते हैं, येलो रेड का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप लोग ये वाला कलर भी ले सकते हैं।
इसके विंग्स में भी हम रेड कलर ले रहे हैं। बाकी जो ये स्पेस दिख रहा है इसमें हम येलो यूज कर लेते हैं। ये वाली फिश मैं ब्लैक के साथ मस्टर्ड भी डाल सकते हैं, ऑरेंज भी ले सकते हैं, मस्टर्ड कलर ले लेते हैं जो आपकी यूनिफॉर्म के लिए यूज़ होता है वो वाला कलर यूज़ करते हैं। इसका जो ये बीच का एरिया बच रहा हुआ है इसमें रेड कलर ले लेते हैं। और बाकी जो कलर है वो वापस यही वाला ले लेते हैं जो इसकी बॉडी में अपनों ने यूज किया हुआ है मस्टर्ड कलर। हमारी फिश तो बनके तैयार हो गई है। अब फिश कहाँ रहती है? फिश तो पानी में रहती है तो भाई पानी भी बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमने ये वाला जो कलर है ब्लू वाला इसका ये पेपर निकाला हुआ है और हम इसका पानी बनाएंगे। ये जो 3 की लाइन दिख रही है उसी को हमने मेंटेन किया हुआ है। बस इसको प्रेशर से चलाते जाइए। तो ये पानी बनता जाएगा। ये ध्यान रखिएगा ये फिश के ऊपर नहीं आएगा। ये फिश का पानी भी बन गया है। अब इसके ऊपर वाला कलर बचता है। इसका जो ये वाला एरिया है इसको बैकग्राउंड को हमको फिल करना है। उसके लिए भी हमने ये ग्रीन कलर ही लिया हुआ है और इसको हम इस तरीके से फिल कर देंगे। जिस तरीके से हमने अपने पानी बनाया हुआ है उसी तरीके से इसको हमने पेपर को हटा के और फिल कर दिया। जो एरिया दिख रहा है उसको हमने फिल कर दिया है।
ये ध्यान रखिएगा जब फिश के पास करेंगे तो आराम से करिएगा, जिससे कि हमारी जो फिश बनी हुई है वो खराब ना हो। यस, अब फिश जब पानी के अंदर होती है तो कुछ बबल्स भी छोड़ती है, तो बबल्स भी बनाने पड़ेंगे हमको। और बबल्स ऊपर की तरफ ही जाते हैं, ये लीजिए हमारी फिश रेडी हो गई है। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और व्हाट्सएप पर मुझे बना के दिखाएंगे। जब आप बना लेंगे तो उसको आप बताएंगे कि ये आपने किस तरीके से बनाई हुई है। ये जरूर ध्यान रखिएगा इसकी आउटलाइन प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि हमारी पेंटिंग अच्छी दिखने लगती है। ये देखिए, आप चाहें तो इसको स्केच पेन से भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये सिंपल लाइन थी ये जब हमने इसको किया। अब हम इसके आपको स्केच पेन से करके दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से अब आपकी आउटलाइन पेंटिंग की होनी चाहिए। ये पेंसिल से ऐसा नज़र आएगा, स्केच से ऐसा। तो आप लोग स्केच से करिएगा, जिससे कि हमारी पेंटिंग अच्छी दिखने लगे और उसमें फिनिशिंग नज़र आएगी, तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। आप किसी को दिखाएंगे उसको भी अच्छा लगेगा और हमको भी लगेगा कि हाँ, आपने लोगों ने प्रैक्टिस की और मैम की बात को मान के और उसको कंप्लीट किया। तो अब सब बनाना स्टार्ट करिए और मुझे पेंटिंग को बना के व्हाट्सएप पर डाल के शो करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को ये वर्क कंप्लीट करना है।